हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश पन्ना व्लॉग। सो गाइज, आज है सैटरडे, 24 तारीख है आज, और मैं जा रहा हूँ बनाने। आज सोचा कि थोड़ा यार सैटरडे का टाइम है, थोड़ा अच्छा चिकन बनाया जाए, बिकॉज गुल्लू का बहुत रिक्वेस्ट था कि आप बनाओ बनाओ मुझे वीडियो बना के भेजो। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के भेज रहा तो व्लॉग बना लेता हूँ, बिकॉज मज़ा आएगा। तो अभी जब जा रहा हूँ, हम चिकन लेके आ गया था हाफ किलो, एंड थोड़ा सा अलग स्टाइल। एक कल एक मैंने ना इन्वेंट किया कि करी कर्ड एंड टमाटो केचप से मैंने उसको बनाया था, तो आज भी वही बनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी को दिखाऊंगा, एंड आई होप आप सभी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स डाइव इन। सो गाइज, मेरा किचन आप देख ही सकते हो। ये देखो सारा मिजा प्ला कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टमाटर है, ये रहा चिकन, इधर मैं इधर इसको रख देता हूँ। तो ये चिकन है, राइस कुकर, वाटर हीटर, यहाँ पे सारा थोड़ा सा गंदी की पड़ा हुआ है, बट ठीक है, हो जाए, ठीक साफ कर दूंगा मैं। तो अभी बस अनियन चॉप कर ही रहा था मैं, टमाटो निकाल के रख दिया मैंने यहाँ पे, दो टमाटो, एंड उसके बाद ये थोड़ा सा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बिकॉज बैचलर लोग जब काम करते तो ऐसे ही करते हैं। ये रहा मिर्ची। तो अभी चिकन बनाऊंगा एंड सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा, सर आप लोग भी इंजॉय करोगे मेरा बना हुआ चिकन, इंजॉय करेंगे। ये रहा मेरा किचन है, यह तो इस बार तो अच्छा बड़ा मिला हम लोगों को किचन, मज़ा आता है यहाँ पे। अभी अनियन डल चुका है, एंड अभी अनियन को मैं करूँगा सौते। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने क्या किया ना, गरम मसालों को पहले ऑयल में डाल दिया है। सो मैंने पाउडर बना लिया था गरम मसालों का, एंड अब मैं डाल दिया है अनियन, एंड अभी अनियन को थोड़ा लाइट ब्राउन होने दूंगा, देन बाकी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ उसमें। यह ना मैं इंडक्शन में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इंडक्शन में, मतलब गैस से ज़्यादा मुझे इंडक्शन में मज़ा आ रहा है, जल्दी कुक हो जाता है, पता नहीं कैसे, मतलब पता नहीं, तो पता ही होगा किसी को बट अच्छा। सो गाइज, अभी देख सकते हो पकना चालू हो गया है, और मैंने अभी इसमें डाल दिया है क्रीम, थोड़ा सा दही, एंड फिर केचप डाला हुआ है। सो उसको ये थोड़ा सा जैसे आप हम बोलते हैं ना कि वो होटल स्टाइल वाला ग्रेवी का पैटर्न दे देगा ब्रेड, तो आप देख सकते हो कितना ही यमी लग रहा है। तो अभी ये थिक बेस बन जाएगा और बहुत ही मतलब यूनिक एक टेस्ट देगा इसको, बिकॉज इसमें दही भी है, क्रीम भी है, राइट, और थोड़ा सा मैंने हल्का मिठास यू नो उसके लिए वो भी दिया हुआ है, राइट। तो अभी इसको थोड़ा सा बचाते हैं भाई साहब, ये तो बुलबुले बुलबुले छटकने लगे, राइट। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में चिकन डालेंगे, बिकॉज अभी ये मिक्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर उतना अच्छे से पकेगा नहीं, राइट। तो आप देख सकते हो क्या कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें, देख रहे हो ये थिक थिक क्रीम देख रहे हो। सो ये थिकनेस ही लाना है इसमें, सो देट अच्छा सा बने। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये बेसिकली मैंने अनियन इसको ऐसे रखा है सो देट वो अनियन का भी क्रंच फील हो, अदरवाइज सब लोग प्यूरे बना देते, तो आई डोंट वांट प्यूरे, मैं इसको ऐसे ही चाहता हूँ। सो ये थोड़ा कुक होगा, एंड कुक होने के बाद फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। हेलो गाइज, एंड आज है संडे, एंड कल रात को व्लॉग करने के बाद मैं ज़्यादा शो नहीं कर पाया था, क्या हुआ क्या नहीं, खाना वाना बना के खा के सो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया था। सो अभी जस्ट उठा हूँ, एंड सोचा कि क्यों ना व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। सो अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये मेरे हाथ में है वॉशिंग मशीन का सारा सामान, बिकॉज अभी वॉशिंग मशीन में सारा कपड़ा धोना है, बिकॉज संडे एक दिन है जहाँ पर आप कर सकते हो, बाकी दिन आप कर नहीं पाओगे, लग मैं नहीं कर पाऊँगा वो बात है। सो अभी बस कपड़ा धोएंगे, एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं लंच पे। तो भी पानी भर दिया मैंने, तो ये रहे मेरे गंदे कपड़े जिसको भी धोएंगे, और धोने के बाद ये सारा इस पर डाल दूंगा। अभी पहले तो इसको पूरा अच्छे से भर देना है, मैं यहाँ तक टोटल भरता हूँ, तो दैट सारा कुछ मेरा है ना अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये देखो, ये मेरा बैक एरिया है, ये मेरे एक फ्रेंड का सामान है जो रेस्टोरेंट चलाता है यहाँ पर, तो उसने थोड़ा सा सामान यहाँ रखा हुआ है, तो अभी बस यहाँ पर वॉश करूँगा, ये भी उसी का सामान है, वो वॉश करके फिर बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे। सो गाइज, अभी फाइनली सारा घर का काम करने के बाद बच गया था मॉपिंग, सो मैंने सोचा कि चलो मॉपिंग भी लगा देते हैं, और आप देख रहे हो कितने फुर्ती के साथ मैं मॉपिंग लगाता हूँ। सो बाकी मैंने सारे रूम में मॉपिंग लगाई, मेरे रूम, मेरे भाई का रूम, देन नॉर्मल कॉमन एरिया, सब जगह अच्छे से डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं ना, डीप क्लीनिंग कर दिया था मैंने, एंड फाइनली फिर ख़त्म। सो गाइज, अभी झाड़ू मारने के बाद पूरा घर देखो कैसा लग रहा है। सो अभी पूरा घर क्लीन हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एंड थोड़ा सा रैक पर सब कुछ ठीक रखूँगा, बिकॉज अभी सब तितर बितर पड़ा हुआ है। मेरा रूम भी यहाँ पे हो गया है, ये भाई का रूम है, ये वॉशरूम, मतलब वॉशरूम में भी अभी क्लीनिंग पे डालना है,
बस ऐसा है कुछ, एंड देन बाकी संडे का करेंगे। आज शिवा भी आ रहा है, शिवा से मिलेंगे बिकॉज कुछ एक बड़ा प्लान कर रहे हैं हम लोग, एक वो देखेंगे एंड और क्या क्या ठीक करना है ठीक ठाक करके फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो आज मेरा फ्रेंड आया हुआ है शिवा। शिवा और हम लोग यहाँ पे आज क्या स्पेशल बना रहे, दिखा। आज बना हुआ है दाल तड़का, राइस की चिकन करी, यहाँ सब्जी नेनुआ का सब्जी है वे, एंड वो रहा साग। सो मेरा फ्रेंड शिवा यहाँ पे आया आज खाना खाने। हम लोग आज करेंगे यहाँ पे डिनर एंड कुछ स्पेशल होने वाला है जिसकी वजह से शिवा यहाँ पे है, जैसे उसकी आँखों में देख ही रहे हो आप। अरे भाई क्या है, भूख लग रही है। हाँ भाई, रात में 11 बजे। सो गाइस, खाना खाने के बाद नेक्स्ट डे ऑफिस आके सारा व्लॉग खत्म कर दिया। बाय बाय।